I'll just demonstrate first. It goes like this. 1, 2. पहले मैं करता हूँ. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. There is a pause in between. It goes like this. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Like that. Then 1, 2 comes slightly fast. Right? So I'll just kind of slowly start. You join with me, then we'll build up the speed. देखते हैं भोपाल में क्या ताकत है. अभी ग्रेस ट्रेजरी सब खत्म हो गया ना. अभी वी आर इन नया भोपाल. Right? जब स्टेशन पे आया तो नया भोपाल पुराना भोपाल समथिंग वॉज देयर. सो आई थिंक वी जस्ट काइंड ऑफ सी वॉट इज देयर इन नया भोपाल. हाउ मेनी ऑफ यू आउट ऑफ भोपाल? या कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ भोपाल ऑल द वे फ्रॉम इंदौर. या एंड आवर गुड फ्रेंड डायमंड हैज कम ऑल द वे फ्रॉम 800 किलोमीटर्स. या प्लीज गिव अ बिग हैंड. या ओके नाउ विल बिल्ड अप. इट्स 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 2, 1, 2, 3. Fast. कितना दम है? क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. It should be raining. फटाफट एकदम जैसे बारिश आ रही हो चारों ओर. Okay, okay. Fine. Yeah. Fine. Do you think it is something different? Why it is different? क्यों अलग से है ये? Any idea? Common clapping में क्या करते हैं? कुछ सोचना नहीं है, बस बजाते रहो. इसमें ध्यान रखना पड़ता है. It's a mind-body coordination, right? And gyoderma acts both the ways. Not only body, it also acts on your mind, right? Increases your alertness. That's why our clap is different from the rest. Yeah, mind-body coordination is very, very important. Our human body is not a separate machine. Ki heart is working alone, kidney is working alone, not like that. Mind also controlling everything. That's why our DX and clap is slightly different. I'll come straight to the point today. My topic for today is gyoderma in modern medicine, in the current health scenario. Par ye shuru karne se pehle, gyoderma ke baare mein baat karne se pehle, I'll definitely like to talk to you. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आएगा चलेगा ना? नो प्रॉब्लम. गुजराती नहीं आने दूंगा, डोंट वरी. यहाँ की कोई स्पेशल लैंग्वेज है? हिंदी ही है. ओके. दिस डस्टर आल्सो रिक्वायर्स गेवडमा. हाँ, ये टॉक्सिन सब चिपके हुए, इसको भी गेवडमा चाहिए. सभी चीज को आजकल गेवडमा चाहिए. नो प्रॉब्लम. So before discussing gyoderma discuss करने से पहले एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. what is the definition of health and what is the definition of a healthy person. हमारा कंसेप्ट किसका है? इट इज सही है ना? हमारा कंसेप्ट हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का है. तो किसी के साथ बात करते हैं तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हेल्थ शब्द क्या है, उसका सही डेफिनेशन क्या है. रूटीन कोर्स में हम ये समझते हैं कि किसी आदमी को कोई लेबल नहीं लगा तब तक वो हेल्दी है. वो हमारा सिस्टम है. हमारा माइंडसेट कैसा है कि जब तक हमें कोई लेबल नहीं लगा डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, राइट, कार्डियक प्रॉब्लम का लेबल नहीं लगा तब तक हम हेल्दी मानते हैं अपने आप को. ये डेफिनेशन सही है? ये सुनो, it's a very, very wrong definition. Current situation is very, very bad. I'll just like to discuss with you for about another 10-15 minutes. Very, very important topic. आपको ये जानना बिल्कुल से जरूरी है. Health शब्द क्या है? वो हमारा fundamental right है जो हम भूल चुके हैं. और अभी पूरी दुनिया को, ज्यादातर करके हमारे देश को, this is very much required. What is the definition of a healthy person? स्वस्थ आदमी किसे मानेंगे? सलमान खान को हेल्दी मानेंगे?
क्यों? 10 आदमी को मार सकता है, ये सुनो, बंडी निकाल के ही घूमता है ना, 10 आदमी को मार सकता है तो हेल्दी नहीं मानेंगे। व्हाई? इज नॉट मेंटली फिट। ओके, WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक रूप से माने फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मानसिक रूप से माने मेंटली हेल्दी है। यू विल ऑल एग्री विथ मी दैट सलमान खान इज प्रोबेबली फिजिकली हेल्दी, बट सलमान खान इज नॉट मेंटली हेल्दी। वो 10 आदमी को मार सकता है, पर वो किसी को भी मार सकता है, सोए हुए आदमी को भी मार सकता है, या सुबह में 3-4-5 बजे किसी के घर में जाके धमाल कर सकता है, याद है आपको? Yes. किसी के सेट में जाके धमाल कर सकता है। एवरीथिंग इज कैपेबल ऑफ सलमान खान। सो ही इज प्रोबेबली फिजिकली हेल्दी बट ही इज नॉट मेंटली हेल्दी। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 2 साल पहले यहां पे भी नहीं थी, यहां पे भी नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा हाल डिफरेंट हुआ है, नए नए यंग ब्लड आए तो अभी थोड़ा यहां पे पॉजिटिव हुआ है, पर यहां क्या है, यहां फिर से हाल बेहाल है। वर्ल्ड कप फाइनल में देख लिया, सबको उड़ा दिया, फिर खुद उड़ गए। जो क्रंच टाइम आया तो दे आर नॉट मेंटली फिट, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर साइकोलॉजिस्ट। या सो फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मेंटली हेल्दी, नंबर 3 WHO बताता है कि जो आदमी स्पिरिचुअल रूप से माने आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक माने जंगल में नहीं जाना है तप करने के लिए, पर आपका जो अभिगम है, एटीट्यूड है फॉर लाइफ, दैट हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। एंड 4 सोशली हेल्दी, सोशली माने सामाजिक रूप से, सामाजिक माने कोई गुनेगार है तो सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा? नो, राइट? WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और kind of, सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसी को स्वस्थ मानेंगे। Do we fall in this definition? ये definition में हम पास होते हैं? हम जब अब तक ये मानते थे कि हमें कोई लेबल नहीं लगा है, माने हम सब स्वस्थ है, पर वो डेफिनेशन गलत है। WHO की डेफिनेशन ये है, तो हम इसमें पास होते हैं? ये सुनो, वी आर नॉट पासिंग दिस। हमारे लिए एक नई स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है, वो कौन सी कैटेगरी है? कहने से स्वस्थ, माने जब तक कोई लेबल नहीं लगा तब तक हम हेल्दी है, लेबल लगा माने हम पेशेंट हो गए। आप जानते हो कि कई लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते, हमारे पास आने से घबराते, क्यों? डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई टेस्ट करवाएंगे तो कुछ निकलेगा तो कोई लेबल लेगा, ये सुनो। Yeah, that is the situation. But as a doctor, I should share a few things with you. कि हमारे देश का health scenario क्या है? हम कौन सी दशा में जी रहे और कौन सी दिशा में जा रहे? That you are supposed to know very clearly. For this, I'd like to quote one study called as Path Klefkin study. एक study हुआ है Path Klefkin study. Apollo Hospital से software बनाया Path Klefkin. Just to know what is the situation. और हमारे देश के 12 major cities, 12 बड़े बड़े शहरों में 12 major hospitals में सॉफ्टवेयर रख दिया और 15,500 कहने से स्वस्थ आदमियों के सभी तरह के टेस्ट कर लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी तरह के टेस्ट कर लिए। 98 में फुल फ्लेज स्टडी हुआ है पूरे एक साल तक, एंड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन, ECG, सभी तरह से देख लिया सिर से लेकर पांव तक, कि हमारे देश के 15,500 कहने से स्वस्थ आदमी या कहने से स्वस्थ लोग खरे रूप में कितने स्वस्थ है। एक साल तक ये पूरा स्टडी करने के बाद इतने हॉरिफाइंग इसके स्टैटिस्टिक्स बाहर आए कि हमारे देश में अर्बन एरिया में हर 3 में से एक आदमी को कैंसर होने की संभावना है। कैन यू बिलीव दिस? हर 3 में से एक आदमी को कैंसर होने के चांसेस है, हर 3 में से एक आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना है, हर 6 में से एक आदमी को डायबिटीज होने की संभावना है, हर 3 में से 2 आदमी को कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना है। हृदय रोग ऊपर जाने का सबसे सरल रास्ता हृदय रोग, राइट? अभी हमारा नंबर ये साइड में ना आ जाए, राइट साइड के कॉलम में ना आए, ऐसी कोई गारंटी है? एनी गारंटी फ्रॉम एनी साइड? कोई आपको बोल सकता है कि मेरा नंबर यह नहीं आएगा और ये मुझे नहीं होगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती। कोई डॉक्टर भी ऐसी गारंटी नहीं देख सकता, डॉक्टर खुद इसके शिकार हो जाते, ये सुनो। या और ज्यादातर लोग दे डू नॉट बिलीव इन वन डिजीज, एक एक रोग में उनको संतुष्ट नहीं है, वो खुद पूरा पैकेज लेके आते पूरा पैकेज लेके आते हमारे पास, बोले डायबिटीज तो बोले है, ब्लड प्रेशर तो बोले है, हृदय रोग तो बोले है,
अब क्या करना है वो बताओ. दैट इज हाउ दे कम टू अस. या और इसमें भी हमारे देश में ऊपर वाले की एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है. एक के ऊपर एक फ्री आता है, एक के ऊपर एक फ्री आता है. आपको एक प्रॉब्लम हुआ माने दूसरा तीसरा चौथा और फिर आपको सीधे ऊपर जाना. डॉक्टर डायबिटीज होते क्या बोलते हैं, आपको पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी. ब्लड प्रेशर पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी. राइट, ये पूरा साइकिल है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दिस इज अ सिचुएशन. इसके थोड़े आगे स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं, तो बहुत लंबा लिस्ट है, बस जस्ट सम ग्लेरिंग स्टैटिस्टिक्स आई लाइक टू टेल यू. पीपल आर आस्क्ड टू टच द ग्रेट टो, जो मींस अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उनको टच करने के लिए बोला गया, तो 37% ऑफ पीपल कुड नॉट टच इवन द ग्रेट टो. देन सीने से पेट का भाग बड़ा, मोटापा. राइट, स्पेयर टायर बोलते हैं, स्पेयर टायर सीने से आपके पेट का भाग बड़ा, मोटापा. स्पेयर टायर हमारे देश में रखना ही चाहिए, बिकॉज कभी भी फ्लड्स आ सकते, कभी भी अर्थक्वेक आ सकते, कभी भी रायट्स हो सकते. क्या काम लगेगा, ये मध्य प्रदेश ही काम लगेगा. राइट, हम मध्य प्रदेश में ही बैठे हैं ना. राइट, 100 में से 46% लोगों को मोटापा का प्रॉब्लम था. सभी तरह से एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर से कंक्लूजन पे आए कि हमारे देश में कोई आइडल्स का समूह इकट्ठा हुआ, जैसे हमारे ऐसे कोई सेमिनार जैसा है, तो हर सात में से एक आदमी को यहां से घर जाने के बजाय यहां से सीधे हॉस्पिटल जाना है. ऐसे हमारा देश का हेल्थ सिनारियो है. जस्ट इमेजिन वेयर वी आर स्टैंडिंग. 1996 में इसका पायलट स्टडी हुआ, माने जो इनिशियल स्टडी बोलते हैं, तब सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी. 98-99 में पूरे एक साल तक फुल फ्लेज स्टडी हुआ, तो ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स बाहर आए. अभी 2005 में सपोज फिर से स्टडी रिपीट होता है, ये सिचुएशन सुधरने वाली है? इज इट गोइंग टू इंप्रूव? या वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट. एब्सोल्युटली देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट. हमारा देश का हेल्थ सिनेरियो जो है, इट्स एब्सोल्युटली इन डॉल्ड्रम्स. आई रिमेंबर माय मेडिकल डेज व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द मेडिकल कॉलेज, वो टाइम में 50 के ऊपर का कोई आदमी आके बोलता था कि मुझे यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो पहले ये देखते थे कि इसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं, हृदय रोग है कि नहीं, उसके बाद न्यूमोनिया, एसिडिटी, देन मसल स्ट्रेन, वो सब बाद में देखते थे. अभी जो कोई 25-30 साल का आदमी आके बोलता है कि सीने में दर्द हो रहा है, हम पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले इसका कार्डियक स्टेटस देखते हैं, बिकॉज नहीं देखेंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है, दूसरे दिन उसका फोटो आ सकता है पेपर में. राइट, और वो प्रेस वाला है, पहुंचा हुआ आदमी है, तो हमारा फोटो भी रख देगा साथ में कि डॉक्टर को पता नहीं चला. राइट, एसिडिटी की ट्रीटमेंट कर रहे थे और कार्डियक प्रॉब्लम था. दिस इज अ सिचुएशन राइट नाउ. यू मस्ट बी सीइंग 30 साल की उम्र में लोगों की किडनी फेल हो जाती है. कितने सारे मेरे पास केसेस है, ढेर सारे केसेस. 30 साल की उम्र में किडनी फेल, 30 साल में पैरालिसिस, 30 साल में अटैक. अहमदाबाद में एच ए कॉलेज, इफ यू आर अवेयर ऑफ, इट्स अ वेरी बिग कॉलेज, एच ए कॉलेज. उसमें 22 साल का एक लड़का चालू कॉलेज में ही एक्सपायर्ड, मासिव कार्डियक प्रॉब्लम, नो प्रायर हिस्ट्री, पहले कोई हिस्ट्री नहीं, 22 साल का लड़का एकदम से एक्सपायर हो गया. 4 साल की उम्र में सफेद बाल है. 15 साल की उम्र में एसिडिटी. राइट, माँ बाप क्या बोलते हैं, ये तो पढ़ाई का टेंशन है. व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग, दे हैव फॉरगॉटन, इट्स अ काइंड ऑफ अवर बर्थ राइट, दे हैव फॉरगॉटन. कई लोग तो डिजीज का लेबल लगने का राह देखते हैं. राइट, हाई सोसाइटी में तो क्या है, आपको लेबल नहीं है तो आपके ऊपर जैसे देखते हो, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, क्यों तो बोले आपके लिए खाना नहीं बनाया. राइट, यहाँ सब डायबिटीज वाले, ऑल रबिश दे आर डूइंग, दे डू नॉट नो व्हाट इज अवर बर्थ राइट. आई रिमेंबर अ वेरी गुड स्टेटमेंट, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट फिगर्स, बट जो सब युग है, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सब जो युग है, उसमें जो सबसे पहला युग था, उसमें ऊपर वाले ने हमारी उम्र 1,00,000 साल रखी थी. सबसे पहले युग में हमारी उम्र 1,00,000 साल रखी थी. उसके बाद जैसे एक एक युग नीचे आते गए, भगवान ने जीरो निकालना शुरू किया. राइट, एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र 10,000 साल कर दी, फिर एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र 1,000 साल कर दी, उसके बाद एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र एज ऑफ नाउ ऑफिशियली कितना है, हमारा उम्र ऑन पेपर, हमारे जो शरीर के जो कोश है, वो 100 या 120 साल जीने के लिए तैयार किए भगवान ने. अभी भगवान ये जीरो निकालने का मैकेनिज्म चालू रखे क्या होगा, और वही दिशा में जा रहे. हमें हंसी आ रही है, बट हम सब यही दिशा में जा रहे हैं.
This health scenario of this country is absolutely in doldrums, because I have done tons of research on this. My major area is incurable diseases and the future of health, promotive health, preventive health. बहुत कुछ रिसर्च मैं अभी कर रहा हूँ या कर चुका हूँ. आई नो कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू काइंड ऑफ पुट अप दिस स्टैटिस्टिक्स. ये सिनेरियो दिन ब दिन नीचे जा रहा है. सो व्हाट टू डू नाउ एंड व्हाई आर वी फेसिंग दिस. ऐसे हमारा हाल क्यों है. हाल या हाल तो नहीं कह सकते, बेहाल क्यों है. सिंपली एक चीज आप समझेंगे. ऊपर वाले ने जब भी हमें बनाया तो हमारा मशीन जो है वो 120 साल तक चले, इसलिए ऐसे तौर में मशीन बनाया. पहले आदमी लंबा जीते थे, अच्छा जीते थे. यस इन्फेक्शन ऑल दे यूज टू लिव लॉन्गर. मोस्ट इंपॉर्टेंट दे यूज टू लिव बेटर. क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके पास थी. भाई जैसे जैसे समय जा रहा है हमारा सिनेरियो बदल रहा है. ऐसा क्यों है. बिकॉज चारों ओर से वी आर बॉम्बार्डेड. राइट, वी आर बॉम्बार्डेड फ्रॉम एयर. चारों ओर से कचरा ही कचरा है ना. राइट, हवा में कचरा है या पानी में, ये सुनो, या खाने में, सूर्य प्रकाश में कचरा आ सकता है. सूर्य प्रकाश में भी कचरा आ सकता है. राइट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तो बस सब एक्स्ट्रा बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं. या देन गुटका, जर्दा, स्मोकिंग और दारू. हवा का एग्जांपल लेते हैं. भोपाल की हवा कैसी है. हाँ, आपका नंबर सेकंड है, अहमदाबाद का फर्स्ट है. सो आई एम, वी आर प्राउड ऑफ इट. नाउ इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, वी हैव ओवरटेकन दिल्ली आल्सो. फटाफट से आगे जा रहे हैं. अभी अहमदाबाद के स्टैटिस्टिक्स निकले हैं. आई जस्ट गॉट अ पेपर विद मी. कार्सिनोजन कॉकटेल अहमदाबाद में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल में लंग कैंसर के केसेस 8% बढ़ गए सिंपली बिकॉज ऑफ हवा. कैन यू बिलीव दिस. एक साल में 8% लंग कैंसर के केसेस बढ़ गए अहमदाबाद में. यू नो रिलीफ रोड, यू आर अवेयर ऑफ रिलीफ रोड. एक बहुत बड़ा रिलीफ रोड करके एरिया मीन्स स्ट्रेच है, 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है. एक साइड से आप चालू करते हैं तो इफ यू पुट अप अ हैंकी ऑन द नोज, जब ये वो स्ट्रेच खत्म होता है बाय दैट टाइम द एंटायर हैंकी इज ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाता है. अपने हैंकरचीफ रखा तो ब्लैक हुआ, नहीं रखा तो कहां जाएगा, ये अंदर जाता है. और वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारा शरीर बाहर नहीं निकाल सकता. रूटीन कोर्स में बड़ा कुछ अंदर नाक में गया तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट स्नीजिंग. राइट, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल है जिसको रेस्पिरेबल बोलते हैं, अंदर जा सकता है. राइट, वो अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ सकता. और ऐसे मेरे पास स्लाइड्स है, आई नॉट गॉट ब्रॉट द स्लाइड्स ओवर हियर. ऐसे ऐसे स्लाइड्स है कि आप कोई सिटी के जो ड्वेलर है जो शहर में रहते हैं उनका लंग आप निकालो तो ब्लैक निकलता है. कैन यू बिलीव दिस, ब्लैक कलर का लंग निकलता है. जो आपने अंदर सब लिया है वो सब दैट इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लंग फंक्शन. तो आप हवा लेते हैं इसमें लोचा, पानी में क्या है आपके यहाँ पानी का सुख, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. गुजरात में हम पहले पूछते थे पानी आता है कि नहीं. आप पानी तो आता है ना, नो प्रॉब्लम. ओके, पानी में पहले बोलते थे मिनरल वाटर करते ना, मिनरल वाटर सबसे बढ़िया. अभी 2-3 महीना पहले सब पर्दाफाश हो गया कि मिनरल वाटर में लोचा ही लोचा है. आप पहले 10-12-15 रुपए लेके पानी पीते थे, वो कौन सा भाव है, वो दूध का भाव है. राइट, दूध के भाव से पानी पीते हैं फिर भी लोचा है. ओनली रिवर्स ऑस्मोसिस इज द वन, नथिंग एल्स प्रैक्टिकली. खाना खाते हैं उसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है. आपके यहाँ कौन सी स्पेशलिटी है खाने में. कचौरी एंड समोसा. ओके, आई जस्ट पुट अप सम फ्यू स्टैटिस्टिक्स. इस यहाँ पे आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ वेदर दिस जो फार्मर्स है आर दे यूजिंग सम इंसेक्टिसाइड बाय द नेम ऑफ 4-8 यहाँ पे यूज करते हैं. 4-8 करके एक बहुत मीन्स कॉमन इंसेक्टिसाइड है. उसके बारे में ये माना जाता है, बताया जाता है कि जो मीन्स फार्म में इसका स्प्रिंकलिंग किया है वहां से कोई सांप वो जिंदा वहां से बाहर नहीं जाता है. ये रूटीन कोर्स में फार्मर्स वो 4-8 का स्प्रिंकलिंग करते हैं और वो आराम से वो खाना हजम कर जाते हैं. गुजराती में बहुत बड़ा कहावत है जोयानो जेर छे, माने जो आप देख सकते हैं वो सब सही है, बाकी हम दिन ब दिन कचरा ही खा रहे हैं. कभी हमारे शरीर को अंदर से पूछते हैं कि भाई अंदर क्या जा रहा है. इफ यू सिट इन योर स्टमक एंड सी ऊपर कि अभी पिज्जा आया, अभी कचौरी आई, अभी समोसा आया, उसका पाचन कैसे होता होगा,
कितना कचरा डालते, आतंक करते रहते, कभी हमारे शरीर को पूछते नहीं कि भी इसकी क्या कीमत है, राइट? इफ यू बाय अ गुड बाइक और अ गुड कार, तो सबसे बढ़िया मैकेनिक के पास जाते, सबसे बढ़िया पेट्रोल डलवाते, उसका टाइम है हमारे पास, पर कभी इसको पूछते कि भाई आपका क्या हाल है, राइट? वो माता के गर्भ से शुरू होता है दबकना और पूरी लाइफ हमारे लिए दबकता है। एक दिन में एक पेट्रोल के टैंकर है इतना ब्लड हमारे शरीर में पंप करता है, हमारा हृदय। कभी उसको पूछते कि भी आपको कोई चीज की जरूरत है, मैं कोई आतंक कर रहा हूं या नहीं, आपको कोई आराम की जरूरत है, क्यों नहीं पूछते? टीवी देखने का टाइम है, राइट? बाकी सब प्रवृत्ति करने का टाइम है, इसका टाइम क्यों नहीं है? व्हाई? फ्लोर क्लीनिंग का टाइम है, सेल क्लीनिंग का टाइम नहीं है। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये मुफ्त में मिल गया है, और जो मुफ्त में मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन अंदर से आवाज करता है कि मुझे अभी दर्द हो रहा है, दुखावा हो रहा है, सीधे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले बाईपास कराओ, 2-2.5 लाख देते हैं आराम से, तब तक टाइम नहीं है। जब तक आवाज नहीं करता तब तक उसको भी तंग नहीं करना, हमें भी तंग नहीं होना, ये हमारी हालत है, राइट? खाना, देन सूर्य प्रकाश, ओजोन का लेयर डिप्लीट होने से, जरा आप सूर्य प्रकाश लेंगे तो चमड़ी का कैंसर हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। सार्स अभी देख लिया आपने, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ऐसे ही अपने आप आ जाते हैं। आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, अभी ऐसे ऐसे बैक्टीरिया घूम रहे हैं हॉस्पिटल में ज्यादातर, जो आप 30-35 एंटीबायोटिक देंगे इसका कोई भी असर नहीं है। जस्ट इमेजिन व्हाट इज सिचुएशन। देन गुटका जर्दा, हाउ मेनी ऑफ यू नॉट टेकिंग गुटका जर्दा? यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो गुटका जर्दा नहीं ले रहे? आई एम आस्किंग हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट टेकिंग गुटका जर्दा? Oh boy, how many of you taking gutka jarda, by the way? Just very, very formally, casually पूछ रहा हूँ। बस 4-5 लोग ही खा रहे। Okay, no problem. कई लोग wife के साथ आए, बोल नहीं सकते, no problem. जो लोग गुटका जर्दा खाने की आदत है, बिल्कुल से खा सकते, no problem. As a doctor, I should share some situation with you. एक बार आप अहमदाबाद में कैंसर हॉस्पिटल, एमपी शाह कैंसर हॉस्पिटल, आई एम नॉट वेयर अवेयर ऑफ दिस मध्य प्रदेश सिनेरियो, बट अहमदाबाद बहुत दूर नहीं है, ओवरनाइट आप आ सकते हैं। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में पीछे एमपी शाह कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, हमारे लिए ही बनाया है, राइट? वहां जाके एक पिकनिक करके आना कि हमारा भविष्य क्या है, कैसी मौत ये लोग मरते हैं, उनको पहले ये मुंह खुलना धीमे धीमे कम होता है, फिर बड़े बड़े अल्सर्स, फिर बड़े बड़े इतने 1-1 किलो के ग्रोथ हो जाते हैं, उनके कान में, नाक में, मुंह में सब कीड़े पड़ जाते हैं, उनके जो रिलेटिव्स है वो आसपास में जाने के लिए तैयार नहीं, ऐसी मौत ये लोग मरते, राइट? तो जो लोग को गुटका जर्दा खाने की आदत है, बिल्कुल से खा सकते हैं, पर एक बार अहमदाबाद जाके पिकनिक करके आइए। और गुटका जर्दा वाले जो है वो एक कुछ व्हाइट मसाला, व्हाइट कुछ पाउडर होता है, फिर ब्राउन कलर का कुछ मसाला, 320-420 ऐसा कुछ उनका नंबरिंग सिस्टम है, राइट? वो हाथ में लेके फिर बराबर से वो हजाम की तरह इसको ऐसे करते हैं ना, लाइक दिस, बराबर वो पाउडर हो जाए, फिर यहां से ऐसे चपटी लेके फिर लाइक दिस डू, है ना? उनके पाउच रहते, सुबह का पाउच अलग, रात को सोने के टाइम का पाउच अलग, राइट? वो बार बार ऊपर वाले के बोलते हैं कि अभी आया, तूने बुलाया नहीं और मैं यहां से निकला नहीं, वो कंटिन्यूस हॉटलाइन में रहते, दैट इज द सिचुएशन, राइट? और पहले लोग ऐसे थे, बोलते थे अभी तो खा लेने दो, जो भी होगा 40-45-50 के साल में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी 20-25 साल में लोग कैंसर लेके आते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है, एट एज ऑफ 23 बोलते इतना ही मुंह खुलता है, क्या करो? मैं बोला अभी विल की तैयारी करो, करना क्या है? बोले मुझे शादी करनी है, बोला शादी छोड़ साइड में, अभी जो करना है वो कर, यू स्टार्ट मेकिंग योर विल, दिस इज अ सिचुएशन वी आर लिविंग इन, वेरी हाई चांसेस ऑफ हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी ऑल ओवर गुजरात एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया। माने गुटका जर्दा में लोचा, स्मोकिंग, धूम्रपान, कई लोग बोलते हैं माय वाइफ इज आल्सो स्मोकिंग, हाउ इज दैट? घर में अंदर आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं कैसे मिलता है वाइफ को या बच्चे को, गिफ्ट में मिलता है, इसे पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, वो भी इतना ही डेंजरस है। आई एम नॉट फास्ट, इट्स फाइन फॉर यू, वी वांट टू कवर अप सो मेनी थिंग्स, आई वांट टू फिनिश अप इन 1 आवर्स टाइम, एक घंटे में मुझे जो टॉपिक है वो खत्म करना है, बट आई वांट टू शेयर एज मच एज पॉसिबल विद यू। अल्कोहल के बारे में तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यू नो बेटर देन मी, राइट? ये सभी जगह से हमारे उसमें सब कचरे आते हैं। वन वेरी लॉजिकल थिंग दैट वी हैव टू नो कि हमारा जन्म होने से हमारा मरण हो जाए तब तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके हम कंटिन्यूअस संपर्क में आते हैं? ऐसी कौन सी चीजें जिसके हम कंटिन्यूअस 24 घंटे संपर्क में आते हैं? व्हाट इज दैट? हवा, पानी, खोराक, या
तो इसका रोल हमारे स्वास्थ्य के लिए होना वो बहुत ही लॉजिकल चीज है. इट इज लेस लाइक 1+1=2. इट इज सो सिंपल एज दैट, राइट. आप हवा कंट्रोल कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. वो आपके हाथ में नहीं है. भोपाल में ही रहना है, कहां जाएंगे? या अभी आप डीएक्शन डेवलप करेंगे, बाहर जाएंगे, यूएसए जाएंगे, पॉसिबल. पानी कंट्रोल कर सकते हैं? ज्यादातर नो, राइट, बिकॉज नो मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम एंड ऑल. आप थोड़ा सा जो कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा, वो खुराक को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. तो ये सब हमारे साथ में ही आने वाला है लाइफ टाइम के लिए. तो दुनिया में आप कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जो 100% शुद्ध है? अणिशुद्ध. कोई आनंद सिंह तेल की एड आती थी, अणिशुद्ध परिशुद्ध. आपके यहाँ वो आनंद सिंह तेल चलता है? हमारे गुजरात में एक आनंद सिंह तेल आता है. अणिशुद्ध परिशुद्ध कोई चीज आपके ध्यान में है? 100% प्योर, नो इम्प्योरिटी व्हाटसोएवर. या कोकोनट, ओके फाइन. He is saying coconut is 100% pure. What do you say, doctor? Uska source pata chalna chahiye. Not true, na? That source is important. How it is made? Of course, you are perfectly right in saying this. Yeah. From where it is taking the whole thing, that is important. Kahi log bolte hain Ganga jal ko shuddh manenge? Yes or no? No. It is yes and no. Why? ऊपर वाला शिवजी बेचारे मेहनत करके जटा से बेचते हैं. वो क्या बेचते? शुद्ध बेचते हैं बेचारे. हम क्या करते? आगे चलते थोड़ा थोड़ा सब उसका इम्प्रोवमेंट ऐड करना शुरू करते. सॉरी, यस एंड नो. तो गंगा जल शुद्ध नहीं है तो माता का दूध शुद्ध मानेंगे? मदर्स मिल्क? यस नो? नो अगेन. WHO के ऐसे स्टडी सिक्स है कि साउथ एशिया में जो स्त्रियां रहती है उनके दूध के अंदर करीबन 320 तरह के कचरे पाए गए. 320 types of toxins have been located in mother's milk, mother specially in Southeast Asia. इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन हम दुनिया में दाखिल होते हैं और माता का दूध लेना शुरू होता है, तभी से हमारे शरीर में सब कचरा जाना शुरू होता है. फिर हवा लेना बंद कर सकते हैं, पानी पीना बंद कर सकते हैं, खाना खाना बंद कर सकते हैं. We already talked, it is not possible. हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हमारे शरीर को इतना तैयार करें कि हमारा शरीर खुद इस हमले के सामने लड़ सके. पहले सिचुएशन ऐसी थी, सपोज हमारा, दिस इज सम फिगर ऑफ अवर कंट्री, बिलवेड कंट्री, 1947, और ये हमारा मैप है, सपोज लाइक दिस प्रोफाइल. आजादी के टाइम पे हमारी बस्ती कितनी थी? पॉपुलेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारी बस्ती आजादी के टाइम में कितनी थी? 26 crores, अप्रोक्सीमेटली 25 crores. वो टाइम में कचरा कितना था? हवा पानी खुराक में इतना ज्यादा कचरा था? नो, इट वॉज स्पोरेडिक समथिंग लाइक दिस. अभी क्या चल रहा है? 2003 चल रहा है. हमारा जो शेप है वो तो वही का वही है, राइट, शेप एंड साइज. पाकिस्तान और चाइना की दया से उसमें थोड़ी कमी हुई है, राइट, बड़ा नहीं है, कमी हुई है. हाँ, पॉपुलेशन कितनी है? 107. सिर्फ आगे एक ही लगा है, 125 crores. या कचरा कहाँ है? चारों ओर कचरा ही कचरा है. अब जो देखो वो सभी जगह में कचरा है. तो हमारे देश के जो सबसे बड़े धन कौन से हैं? पॉपुलेशन और पॉल्यूशन. उस दोनों में हमें गोल्ड मेडल मिलता है, बाकी कहीं में गोल्ड मेडल नहीं मिलता. इसमें हमें गोल्ड मेडल मिलता है, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन. ये दोनों चीज कम होने वाली है. आगे 5 साल के बाद क्या होगा? ये कम होने वाला है, ये बढ़ता ही जा रहा है. देयर इज नो एंड टू इट. तो इज दिस इंडिकेटिंग दैट कल चल के ऐसा दिन आएगा कि आप कचरे के बिल्कुल पास पास आते जाएंगे? बिकॉज एरिया वही का वही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कचरा चारों ओर से बढ़ता जा रहा है, तो हम बिल्कुल से कचरे के पास में आते जा रहे हैं. तो हमारे देश में हमारा भविष्य क्या है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, कचरे जैसा है. ओके, एड टू इट अवर लाइफ स्टाइल. हमारी लाइफ स्टाइल, राइट, एक तो ये साइड से कचरा आ रहा है, दूसरा हमारी लाइफस्टाइल. खाने में क्या चाहिए? हाँ, कचोरी, समोसा, यही सब चाहिए ना. अब ये आजकल किसी को रोटी या भाखरी, व्हाट वी से, पराठा, वो सब अच्छा नहीं लगता. आजकल के 1-2 साल के बच्चे, उसको भी आप रोटी खिलाओ, दे आर नॉट हैप्पी. पिज्जा खिलाओ करके खा जाते हैं ना. दिस इज सिचुएशन. वो पूरा जीन से ही अंदर जा रहा है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. लाइफस्टाइल कैसी है? हरी वरी एंड करी.
और ये हरि और वरी और करी में हम जो रियल हरि है उसे भी भूल गए. सब भूल जाना राइट. फटाफट से पैसा चाहिए, सबसे बढ़िया गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, घूमना ऐश करना और सब फास्ट चाहिए. आपने देखा होगा, आई डोंट नो व्हाट इज सिचुएशन ऑफ भोपाल, बट इंदौर इज अ वेरी फेमस प्लेस फॉर सम मनी चेंज राइट. एक का दो का चार का छह, सब फटाफट होता है. और उनका क्या हाल है अभी, सिचुएशन हॉरिबल है ना. गुजरात में सबको पीछे रख दिया अभी पुलिस वाले ने. सो दिस इज अ लाइफस्टाइल दैट वी वांट कंटिन्यूअस. हम क्या जीते हैं, हम स्ट्रेस में जीते हैं. कहने का मतलब ये है, बिकॉज वी वांट एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इट इज नोन दैट 80% ऑफ डिजीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड. 80% ऑफ डिजीजेज, बीमारियां है उनको स्ट्रेस के साथ सीधा लेना देना है. ऐसी कोई दवाई है मार्केट में, ऐसी कोई दवाई फ्यूचर में आ सकती है? ये सुनो, दिस इज नॉट पॉसिबल. हमारे देश में अब ये हाल है, आदमी के तौर पे आपको जीना है तो आपके शरीर को तैयार करना पड़ेगा राइट. गेवड़ामा क्या करता है, हमारे शरीर को तैयार करता है. परफेक्ट टाइम पे ऊपर वाले ने हमें ये भेजा है. आर यू नाउ क्लियर अबाउट हेल्थ सिनारियो राइट. इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड टॉपिक, बट जस्ट सुपरफिशियली आपको समझाने जा रहा था कि गेवड़ामा का पोजिशनिंग क्या है. इसके लिए कोई ड्रग नहीं आ सकता, इसके लिए कोई दवाई बन नहीं सकती. फ्यूचर में जो भी करना है हमारे शरीर को करना है, और ये परफेक्ट टाइम में ऊपर वाले ने ये भेजा है. अगेन आई एम नॉट हैविंग द एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स, बट इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस ब्रह्मा कुमारीज राइट. ब्रह्मा कुमारीज का ऐसा एक साइकिल है, उसमें अभी हम यहाँ, ये पूरा साइकिल खत्म हो गया और हम यहाँ पे कहीं है, इतना बचा है, उसके बाद दुनिया में विस्फोट होने वाला है. एनीवन नोज अबाउट दिस. ब्रह्मा कुमारीज का जो कंसेप्ट है कि ये 5000 साल का जो चक्कर है राइट, वो अभी चक्कर खत्म होने आ रहा है, और वही टाइम में ऊपर वाले ने 5000 साल पुरानी औषधि भेज दी है राइट. परफेक्ट टाइम में गोल घूम के ऊपर वाले ने भेजा है, बिकॉज हम विनाश की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे विनाश होने वाला है, ऐसा ब्रह्मा कुमारीज वाले बोलते हैं. और ये परफेक्ट टाइम में ये 5000 ईयर ओल्ड हर्ब गॉड हैज सेंट टू अस टू सेव अस. या सॉरी जस्ट अ मिनट. माय फादर हैज ओनली टॉट मी वन थिंग, कम व्हाट मे नो प्रॉब्लम. गुजरात में सिचुएशन ये थी कि लोगों के यहां 8-8 10-10 बच्चे रहते थे राइट. वो पूरी फैक्ट्री थी. क्यों फैक्ट्री थी ऐसे, एनी आइडिया? पहले करीबन से 30-40-50 साल पहले लोगों के यहाँ पूरी की पूरी बच्चे बनाने की फैक्ट्री रहती थी. एक साल में एक बच्चा, दूसरे साल में दूसरा बच्चा. मैं सिविल हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, अभी भी वो चालू है. बिफोर अबाउट 9-10 ईयर्स दिस मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ बोथ आर प्रेग्नेंट टूगेदर इन द सेम हॉस्पिटल बाय द सेम कोर्ट राइट. ये दोनों बगल वाले कोर्ट में सासू भी प्रेग्नेंट है और उनकी बहू भी प्रेग्नेंट है. बच्चों वाली फैक्ट्री थी. क्यों? बिकॉज बच्चे जल्दी से मर जाते थे, इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस थे. तो कैलकुलेशन ऐसे था कि 5 बच्चे सपोज आपने पैदा किए, 2-3 मर गए तो 2 बच जाएंगे. दैट वाज अ सिचुएशन. इन्फेक्शन वाज अ मेजर किलर. अभी द मेजर किलर इज नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड, लाइफस्टाइल राइट. स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, टॉक्सिन्स, हम खुद हमारे दुश्मन.